सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का मॉडल पेपर का सोल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 100 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी इस बार 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, पहला सवाल में पूछा गया है कि अरुण अनियान कह, यदि आप 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ का अध्ययन किए होंगे तो आप सभी को श्लोक में बताया गया होगा कि अरुण अनियान महतो मयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। तो बोला गया कि छोटा से छोटा क्या है, तो आत्मा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कुछ समय 2 में है कि किम जयम प्राप्त नोती, तो 10वीं कक्षा के मंगलम पाठ में ही बताया गया है कि सत्यमेव जयते ना अनृतम, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। तो बोला गया है कि किम जयम प्राप्त नोती, किसकी जीत की प्राप्ति होती है, तो वो होती है सत्यम की जीत की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्यम। बाद में अगला सवाल उसमें 3 कहता है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी बुद्ध के काल में पटना नगर का नाम क्या था। तो आपके 10वीं कक्षा के संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का अध्ययन करने पे हमें ये पता चलता है कि बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम जो था वो पाटली ग्राम था, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटली ग्राम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी गांधी जो सेतु है वो कहाँ पे है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगरे अस्ति। उसके बाद में अगला सवाल संस्कृत के तीसरा चैप्टर अलस कथा पाठ से दिया गया है और सवाल में हमसे पूछा गया है कि अलस कथा पाठस्य लेखक क, यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों याद रखिएगा, अलस कथा पाठ के जो लेखक हैं वो विद्यापति जी हैं, जो मैथिली कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि कस्य यानम पुरुषै नारी भिषस्य चलति, यानी कस्य यानम पुरुषै नारी भिषस्य चलति, यानी स्त्री और पुरुषों को मिलाकर किसकी गाड़ी आसानी तरीके से चलती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, समाजस्य, यानी समाज की। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 हमारा कहता है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, यानी आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो सबसे प्रसिद्ध लेखिका हैं उसका क्या नाम है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडिता क्षमा राव। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 भारत महिमा पाठ से लिया गया है और सवाल ये पूछा गया है भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, यानी भारत की महिमा कहाँ कहाँ गाई जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी भारत की महिमा सभी जगहों पे गाई जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए, तो क्वेश्चन 9 में कहता है कि भारत महिमाय आधुनिकी गीतस्य रचनाकार क, भारत महिमाय आधुनिकी गीत का रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि कति पुराणानि संति का हिंदी अर्थ होता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 18 पुराणी संति, यानी पुराणों की संख्या 18 है, 18 है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संस्कार प्रायेण कति विद्या संति, यानी संस्कार जो है वो प्रायेण कति विद्या संति, विद्या में संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये संस्कारों की जो संख्या होती है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं और टोटल संस्कार कितने होते हैं, तो 16 संस्कार, यानी 16 संस्कार होते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 12 को देख लीजिए, क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि क सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, क सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। तो क्वेश्चन का सही जवाब संस्कार शब्द प्रयुज्यते, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है नीति अश्लोका नाम रचनाकार क अस्ति, यानी नीति अश्लोका का रचनाकार कौन है। तो हे दोस्तों, क्वेश्चन 13 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा, महात्मा विदुर जो है वो नीति अश्लोका पाठ के रचनाकार है।
उसके बाद में कृष्ण 14 कहता है कि कर्मवीर उत्साहेन किम लभते, कर्मवीर के उत्साहों से किसके लाभ होती है। तो यहाँ भी कृष्ण 14 का सही जवाब सेंटी हो जाएगा महत्व पदम। उसके बाद में है कि कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवसन्ति, यानी कस्मिन ग्रामे यानी किस गांव में निर्धन जना गरीब जनता निवसन्ति निवास करती थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब आपके पाठ्य पुस्तक में कर्मवीर कथा में बताया गया कि भीखन टोला गांव जो है ये बिहार के एक छोटा सा गांव है जहां पे एक निर्धन बालक दलित बालक राम परेश राम का जन्म हुआ है। तो क्वेश्चन का सही जवाब सही हो जाएगा भीखन टोला ग्रामे। अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि कस्य प्रचारम दयानंद अकरोत, यानी किसका जो प्रचार है वो स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा किया करते थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, यानी शुद्ध तत्व के ज्ञान को सभी जगह वो प्रचार किया करते थे। अगला सवाल क्वेश्चन 17 कहा करता है कि दयानंदस्य यानी दयानंद का जन्म कस्मिन प्रांते अभवत, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो कौन से प्रांत में हुआ था। तो क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। उसके बाद में है अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति, अयोध्या कांड जो है ये किस महत्वपूर्ण ग्रंथ का अंश है। तो अयोध्या कांड यदि आप सभी रामायण देखे होंगे तो मालूम होगा कि सुंदरकांड युद्ध कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड बहुत सारे कांड हुआ करते हैं। तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ का हिस्सा है, तो रामायणस्य यानी रामायण का हिस्सा है। और रामायणस्य किम रचनाकारक, इसके रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला सवाल आ ही गया है कि रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति, यानी रघुवंश महाकाव्य की रचना कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कालिदास के माध्यम से रघुवंश महाकाव्य की रचना की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है कि दृशाणी तीर्थाणी रतिम सजनयंती, यानी किसको देकर तीर्थयात्री रति भर भी सज्जन के जैसा महसूस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा रमयी याणी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है ये मंदाकिनी वर्णन पाठ से लिया गया है। अगला सवाल क नदीम अभीत प्रसन्न इवह, तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पर्वतः। इसके बाद में है व्याघ्रपति कथाया कस्य दुष्परिणामा प्रकटति, यानी व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणामों को प्रकट करता है या प्रकट किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लोभस्य का। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से पथिक नामक युवक लोभ लालच में पड़कर अपनी जानों से हाथ धो बैठता है और बाघ के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। अगला सारक्ष तेज कहता है पश्य पक्षी कथा नाम मूल्यम के शाम शिक्षार्थ भवती, यहाँ भी कुछ मैं 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मानवा नाम। उसके बाद में है व्याघ्रस्य हस्ते किम अस्ति, व्याघ्रस्य हस्ते किम अस्ति, यहाँ भी कुछ मैं 24 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याघ्रस्य का मतलब होता है बाघ के, हस्ते का मतलब हाथ, किम का मतलब क्या, अस्ति का मतलब था यानी बाघ के हाथ में क्या था, तो स्वर्ण कंगनम था यानी सोने का एक कंगन था। उसके बाद में है दुराचारी क आशित, दुराचारी कौन था, तो दोस्तों दुराचारी कौन था, तो ये व्याघ्र था यानी बाघ था। क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है भासस्य कति नाटकानि सन्ति, भासस्य के द्वारा महर्षि भास के माध्यम से कितने नाटकों का रूपांतरण किया गया है। तो यहाँ भी क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भासस्य त्रयोदश नाटकानि सन्ति। उसके बाद में सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति, यानी सबसे पहले दानवीर कर्ण भगवान इंद्र को यानी आपके पाठ्य पुस्तक के मुताबिक शक्र को क्या देते हैं। तो यहाँ भी कुछ में 27 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा साल कारम गौह शस्त्र, यानी बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा सबसे पहले गाय को दान में देते हैं। तो भगवान शक्र यानी इंद्र क्या कहते हैं, ने छामी कर्ण ने छामी, यानी हमें नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तो मन में रहता है कवच और कुंडल प्राप्त करने का, तो भला गाय को लेकर क्या करेंगे। अगला सवाल 28 कहता है कि विवादान समयुतु देशामंधे का संस्था अस्ति, तो यहाँ पे कुछ में 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में ही इस संस्था का प्रचलन जारी है। बोला गया है कि विद्वान समयंतु यह एक संस्था है, ये कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थित है।
अलसाली अशांति कारणम गति संति, अशांति का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी द्वयम, जिसको शीत युद्ध भी कहा जाता है। आज एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर जलता है, जिस कारण चारों तरफ शीत युद्ध का दौर बना गया है। अलसाले द्विदस विदस शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ मैं 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विदुषा। उसके बाद में अगला सवाल कुछ 31 को देखिए कि अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है। तो हे दोस्तों, यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन आने जा रहा है वो सभी व्याकरण खंड का क्वेश्चन होगा। जैसे अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है, तो अस्मद होता है। उसके बाद में है कि नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? तो नदी शब्द का रूप यदि सप्तमी के एक वचन में आप जाइएगा ना, तो क्या मिलेगा आपको? तो वो मिलेगा नदाम मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 33 कहता है कि विभ्यत पद में मूल धातु कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भू। उसके बाद में है गणेशाय मोदकम रोचते, यानी गणेश को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें कौन सी विभक्ति का यूज किया गया है? तो यहाँ पे कुछ मैं 34 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें चतुर्थी विभक्ति का यूज किया गया है। गणेशाय मोदकम रोचते, यानी गणेश को लड्डू पसंद होता है या लड्डू अच्छा लगता है। अरे साले गणेशाय मोदकम रोचते, कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे कुछ 35 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भूआ प्रश्न प्रभावश्च, यह एक सूत्र है जिसका यूज गणेशाय मोदकम रोचते वाले वाक्य में किया गया है। एलएस 36 कहता है रुचि अर्थनाम प्रियमाण में कौन सी व्यक्ति का योग होता है? तो रुचि अर्थनाम प्रियमाण एक सूत्र का नाम है, इसमें कौन सी व्यक्तियों का योग होता है? तो इसमें होता है चतुर्थी व्यक्तियों का योग। उसके बाद में है कि सम उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा होता है? याद रखिएगा, जिस किसी भी शब्द के पहले कोई ऐसा शब्द जो जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे सम है तो सम से क्या बनेगा? तो सम जोड़कार बराबर संस्कार होते हैं। तो कुछ मैं 37 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कार। उसके बाद में है आजीवनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसमें बोलिएगा आजीवनम, तो कैसे बोलिएगा? आ जोड़ जीवनम, आजीवनम में आ एक उपसर्ग है जो कि अव्यय भी है, यह एक अव्ययी भाव समास है। और आजीवनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें आंग उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद में है उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों उद्गम को कैसे बनाएंगे? तो उत् जोड़गम बनाएंगे, अतः हम कह सकते हैं कि उद्गम में उत् नामक उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद में है कि प्रेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनता है? तो यहाँ पे डीप का ड और प लोप हो जाता है, बाकी बचे तमाम शब्दों को एक साथ मिलाकर लिख दिया जाता है और क्वेश्चन का सही जवाब प्रेयसी आ जाता है। उसके बाद में श्रेयस प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ भी कुछ में 41 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए श्रेयस में यदि डीप लगाइएगा तो ड पकड़ जाएगा, केवल द्विकार बचेगा, तो श्रेयसी ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 41 क्या कहता है, बलवत प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो बलवत में भी आपको ड और ये प कट जाएगा, तो इसमें द्विकार लग जाएगा, तो बलवती हो गया ना। तो यहाँ भी कुछ में 41 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बलवती। उसके बाद में अगला सवाल संधि विच्छेद से पूछा गया है कि जगदीश का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कुछ में 43 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। उसके बाद में सत्य प्लस जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? हे दोस्तों सत्य प्लस जन बराबर सज्जन होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सज्जन। अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देख लीजिए। क्वेश्चन 45 कहता है ने प्लस अनम से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों ने प्लस अन बराबर नयन होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नयनम। उसके बाद में मृग काको में कौन सा समास है, उसका नाम आप सभी को बताना होगा। तो हे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मृग का मतलब हिरण भी होता है और शेर भी होता है, काक के मतलब कौआ होता है, तो यहाँ पे मृग और कौआ का नाम आ गया है। इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसे हम कहेंगे कि द्वंद्व समास है। उसके बाद में अगला सवाल है अनिश्वर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे अनिश्वर में आप सभी को समास बता दें
कि इसमें नय समास होता है। अनिश्वर का हिंदी अर्थ होता है जहाँ पे ईश्वर ना हो, इसमें नहीं का बोध होता है, उससे नय समास कहते हैं। उसके बाद में त्रिभुवनम में कौन सा समास है उसका नाम बताना होगा। तो दोस्तों जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्या वाचक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिभुवनम में यहाँ पे तीन भवनों का समूह आ गया है, तीन, अतः हम कह सकते हैं ये द्विगु समास के उदाहरणों में से एक है। अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति को देख लीजिए, यहाँ पे जो यथा लगाया हुआ है एक सांस्कृतिक वर्ड है जिसका हिंदी उड़ता है जब जब या यथासंभव यानी शक्ति भर। तो यथासंभव में कौन समास होगा, तो अव्ययी भाव होगा, क्यों होगा, चूँकि पहला पद अव्यय है। अगला सवाल त्रिफला में कौन सा समास है। तो दोस्तों त्रिफला का मतलब ही होता है तीन फलों का समाहार, तीन फलों का संगम या तीन फलों का समूह। तो इसमें तीन नामक संख्या आने के कारण ये समास हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में एक से लेकर 50 तक के बताए गए तमाम क्वेश्चनों का सलूशन आप सभी को आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चाहते हैं 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारियाँ करना, तो मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन 10वीं कक्षा का बेहतर से बेहतर तैयारियाँ कराई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाएगा और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख पाइएगा। तो हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ। तब तक लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।